नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सेल्फ ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के लिए आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से कर सकते हैं। तो कोई भी आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ब्राउज़र का आप ओपन कर लीजिए। और गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है वन ड्राइव अकाउंट, तो जो है लिंक उसका आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए मैंने सर्च कर दिया। ओके, जो सबसे टॉप पे ये वन ड्राइव का ही है, माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है वन ड्राइव, तो इसलिए हम सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, राइट कॉर्नर में दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक साइन इन का ऑप्शन दिया गया, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों हमसे यूजर आईडी मांगा जा रहा था, हमारे पास तो यूजर आईडी है नहीं, हमने अकाउंट तो क्रिएट कर नहीं रखा है, तो हमें क्या करना है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप नाउ, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसके ऊपर हमें फिर से क्लिक कर देना है। ओके, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, हमें कुछ फिलअप वगैरह करना होगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे हमसे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ। ओके, हमने जो ईमेल आईडी टाइप कर दिया और यहाँ पे हमसे एक पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो आपको जो पासवर्ड याद रहे बेस्ट पासवर्ड वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया सेंड मी प्रोमोशनल ईमेल्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो भी अपडेट आए वो आपको ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप अनटिक कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अनटिक कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे एक कोड बोल रहा है कि आपके पास एक ईमेल के ऊपर कोड आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम चलिए ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं 8:30 AM यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टीम की तरफ से एक ईमेल आया हुआ है, हम चलिए ओपन करते हैं इसे। और इसके अंदर हमें एक कोड मिल जाएगा 0117। ठीक है, हमें क्या करना है, ये कोड सिंपली हमें माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर एंटर कर देना है। ओके, नेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें जो कैप्चा एंटर कर देना है, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे दोस्तों हमने जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो क्रिएट कर लिया है, हमने जो वन ड्राइव के लिए अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे प्लान के लिए बताया जा रहा है कि आप कोई प्लान अगर लेना चाहते हैं तो प्लान यहाँ से ले सकते हैं, फिलहाल मैं फ्री यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। हमारा जो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वन ड्राइव अकाउंट जो है हमने क्रिएट कर लिया है, अब हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ अपलोड करना है तो यहाँ पे आप एक अपलोड का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फाइल्स, फाइल अगर मतलब कि आपको अगर पूरा फाइल का पूरा फाइल ही अगर इसके ऊपर अपलोड करना है तो आप जो यहाँ से पूरा फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं यहाँ से मनीष का फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो मैंने अभी अपलोड किया वो फाइल जो यहाँ पे आ चुका है। अब इस फाइल को दोस्तों मैं यहाँ पे बेनिफिट ये है कि इस फाइल को मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बैठ करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ, मान लेते हम कहीं और बैठे हुए किसी और पीसी पर हम लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, वही वन ड्राइव लॉगिन कर देना है। यहाँ पे कोई नहीं, अकाउंट क्रिएट पे कर देते हैं, लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया गया गो टू माय वन ड्राइव, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जो मैं अपने ईमेल आईडी से क्यों मैंने अभी लॉगिन किया हुआ था तो ये ऑटोमेटिक से जो लॉगिन हो गया। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो फाइल अभी हमने अपलोड किया हुआ था वो फाइल यहाँ पे जैसे के तैसा यहाँ पे परमानेंट है सेव। तो ऑल ओवर इंडिया से मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ इसको। और साथ ही साथ जो है दोस्तों आप अपने मोबाइल पे भी इस फाइल को देख सकते हैं, अगर आप मोबाइल में अगर वन ड्राइव यूज कर रहे हैं, अगर मोबाइल में वन ड्राइव के अकाउंट से लॉगिन है आप, आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फाइल होगा वो आपके मोबाइल पे भी शो हो जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या है, वन ड्राइव अकाउंट क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या है, उस वीडियो में जो मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो यहाँ जो आई बटन आपको मिलेगा, इस आई बटन पर आप क्लिक करके जो उस वीडियो को वॉच जरूर कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के लिए एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और हम किस तरीके से फाइल इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हम आउट ऑफ इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहीं भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर से कैसे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। फिर भी अगर किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं आपके हर सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।